नमस्कार दोस्तों, सौर भारत में स्वागत है। मैं हूं अमित। जिस तरह से कोरोना महामारी पूरे भारत में पांव पसारता चला जा रहा है, ऐसे में तमाम तरह के संगठन, तमाम तरह के लोग आगे आए हैं और स्वास्थ्य विभाग भी तमाम तरह के दिशा निर्देश लोगों को जारी किया है किस तरह से कोरोना महामारी से बचाव करने के लिए। ऐसे में हमारे बीच हृदय रोग स्पेशलिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ सुरुचि पांडे हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह से बचाव किया जा सकता है, क्या क्या। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरुचि पांडे, मैं प्रोफेशन से कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं पैनकार्डिया हार्ट सेंटर जो कि चौक पटना सिटी में स्थित है, वहाँ पे कार्यरत हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये COVID-19 एक वैश्विक महामारी है, इससे हमें डरना नहीं बल्कि इससे हमें लड़ना है और अब हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। तो इससे बचाव के लिए हम लोगों को बहुत सिंपल प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे हम लोगों को फेस मास्क पहनना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, हम लोगों को फेस मास्क पहनना है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आप घर पे रहें, आप दफ्तर में हो, आप रोड पे हो, आप हॉस्पिटल में हो, कहीं पर भी आप हो, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। टाइम टू टाइम अपने हाथों को साबुन या पानी से धोना है। अगर आप घर पे हैं, बाहर पे हैं, तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग जो है इस COVID-19 के टाइम में भी, मैं लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। जो हृदय रोग के जो पेशेंट हैं, उन लोगों को खासकर इस बात का ख्याल रखना है कि उनका BP, शुगर ये सब कंट्रोल रहे। जिनका बाईपास ऑपरेशन हो चुका है, जिनका स्टेंट लग चुका है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपनी दवाइयाँ बिल्कुल टाइम टू टाइम लेते रहें। हमारे यहाँ ECG, ECO, TMT, हॉल्टर सारी सुविधाएँ हैं और सारी सुविधाएँ हम लोग चाहते हैं पट्टा सिटी के लोग उसका फ़ायदा उठाएं और आएं, अपना चेकअप कराते रहें टाइम टू टाइम और सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखेंगे तो उनको बीमारी का जो संक्रमण है उनका जो है रेट काफ़ी कम हो जाएगा। और दूसरा है कि वो इस बीमारी में अगर उनको संक्रमण हो भी जाता है तो उनका रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और संक्रमण का खतरा जो है कम रहेगा। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका जो सुरक्षा कवच है वो आपका इम्यूनिटी भी है। तो डॉक्टर की परामर्श के अलावा आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है आपको जिंक का डाइट में जिंक का इस्तेमाल करना है। जिंक जो है आपके पपीता में होता है वो खा सकते हैं, जो वाटरमेलन है, जो तरबूज है उसका सेवन उसके बीज में भी पाया जाता है उसको खा सकते हैं। नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन सी के लिए, आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको प्रोटीन चाहिए, उसके लिए आप जो अंकुरित है, अंकुरित मूंग दाल अंकुरित या कोई भी स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल खाएँ, ज़्यादा प्रोटीन डाइट आप में रखें। और दूसरा है कि आप जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्ट्रेस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस से दूर रहना है, आपको पॉजिटिव फ्रेम के साथ रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, इससे आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल। क्या कुछ ना खाएं जो लोग अभी बचाव करना है, अगर जो उनसे लड़ना है COVID-19 से, किस चीज़ों का अवॉइड करें कुछ शुरू करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, अभी बाहर का खाना जो है बिल्कुल अवॉइड करना है और जो है घर पे भी अगर आप रह रहे हैं तो ज़्यादा तला भुना हुआ खाना नहीं खाना है और आपको ठंडे सामान जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे आइसक्रीम है, ठंडा फ्रिज का पानी, अभी गर्मी का टाइम है, नहीं खाना है क्योंकि इससे जो वायरस जो आपके थ्रोट में होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो और दूसरा है कि आपको जो है ये बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आपको वेट नहीं बढ़ने देना है। आप घर पे हैं, लॉकडाउन में हैं, तो आपको ऐसी डाइट लेनी है ताकि आपका जो वजन है वो हमेशा कंट्रोल में रहे। वजन नहीं ज़्यादा बढ़ाइए, उससे जो है आपका BP और शुगर ये सब का लेवल भी जो है वो अनकंट्रोल हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है। व्यायाम भी आपको करना है, घर पे ही रहकर करना है और इन सब चीज़ों का ध्यान। ये तो सब लोगों के लिए हो गया, लेकिन वो 60 वर्ष से ऊपर जो महिलाएं हैं जो और 10 वर्ष के बच्चे जो कम हुए हैं उनको कुछ ज़्यादा ध्यान रखना है, उन लोगों की तरफ। देखिए, बहुत सही आपने क्वेश्चन कहा है। एक्चुअल में ये बात सही है कि जो एल्डरली पीपल्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, या जो बच्चे हैं जो 10 साल से नीचे हैं, या जो महिलाएं हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, उन लोगों को सबसे पहली बात तो मैं ये आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग कृपा करके घर से बाहर नहीं निकलें। जैसे मैंने देखा है रोड पर लोग सब्जी लेने निकल जाते हैं, दूध लेने निकल जाते हैं, प्लीज़ आप लोग बाहर मत जाइए। आपके अपने घर में जो यंग लोग हैं जो हैं उन लोगों को भेजिए, जो जवान लोग हैं उन लोगों को भेजिए। दूसरा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन करिए, मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल करना है आपको, घर पे रहना है और जो भी आपको लगता है ऐसे लोग जो संक्रमित हैं या जो खांस रहे हैं या जिनको बुखार है उनसे आपको दूरी बना के रखनी है।
इस COVID-19 में भी अगर 80% जो हृदय पेशेंट है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या आपके क्लिनिक में वैसे सारी सुविधा दी जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर सुरुचि पांडे, पैन कार्डिया हार्ट सेंटर जो कि चौक पटना सिटी में स्थित है। सारी फैसिलिटीज आपके हार्ट की जो है यहाँ पे है। यहाँ पे ECG भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ईको भी कर रहे हैं पेशेंट्स का, TMT भी हो रहा है, हम लोग हॉल्टर भी कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट्स को धड़कन भी कई बार बेतरतीब हो जा रही है। वो सब सारी फैसिलिटीज है। अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है या दिल का धड़कन तेज हो गया है तो आप बिल्कुल इस पैनकार्डिया हार्ट सेंटर में आइए। यहाँ पे सारी जो है सुविधाएं हैं जो हार्ट के जांच के लिए उपयोग हम लोग लाते हैं और ये हम लोग बिल्कुल तत्पर तरीके से दे रहे हैं, तो आपका बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं चाहती हूँ पटना सिटी के सारे लोगों को ये सेवाएं जो है मिलती है, वो इधर उधर ना भटके और आप इस सेंटर में आइए, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। पटना के आसपास के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, देखिए मेरा अपील ये है कि COVID-19 को आप हल्के में मत लीजिए, ये एक वैश्विक महामारी है। मगर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप डरे नहीं, लेकिन आपको लड़ना है। लड़ने के लिए आपको अपने कुछ आदतों को बदलना होगा। जैसे सुबह हम लोग डेली उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, व्यायाम करते हैं, वैसे ही आपको कुछ और नियम अपने जिंदगी में अब बिल्कुल अपना लेना होगा। जैसे कि आपको मास्क पहनना बहुत अनिवार्य हो जाएगा, मास्क पहनने की आदत आपको अब डालनी होगी। साथ में आपको चाहिए कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हाथ को अगर घर पे हैं तो साबुन से और पानी से कम 20 सेकेंड तक लगातार धोते रहें। और जो दूसरा है कि जो बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे दूध के पैकेट आ रहे हैं, सब्जी आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, कोई भी सामान आप घर से बाहर से लेकर खरीद के ला रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उसको बाहर जो है उसको धो लीजिए अच्छे से साबुन पानी से, उसके बाद ही अंदर लाइए। और दूसरा है कि अपने घर में रहिए, कोशिश कीजिए कि कम से कम बाहर निकलें। तो ये थे सुरुचि पांडे जो कि बता रहे थे किस तरह से लोग अपने आप को ध्यान रखें COVID-19 से बचाव करने के लिए, क्या कुछ तरीके हैं, उनको कैसे बचाव किया जाए। अपनों के साथ रहना है तो अपनों से भी दूर रहना होगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, आपको अपने घरों में रहना होगा, उन तमाम तरह की चीज़ों को बताया, किससे खाने से आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा मिल सकता है। हमारे कैमरा पर्सन के साथ में हूँ अमित पत्रशाल कुमार, होम साइंस और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।